हेलो गाइस, अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक या एडीएचडी है और काफी सालों से आप थेरेपी सेंटर्स पर जाकर थेरेपी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपके बच्चे में नहीं आए हैं, तो आप जरूर एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं मेंटर सुनील। आज हम बात करने वाले हैं आरव के कमेंट पर, जिन्होंने पूछा है कि वो होम थेरेपी प्लान्स कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में जरूर बात करेंगे। आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं चैनल पर जरूर आकर के अपने कमेंट्स डाल दीजिए, ताकि उन कमेंट्स पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल सके और आपकी सारी क्यूरियोसिटीज सेटल हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं आरव के कमेंट पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, आरव का कमेंट है, थैंक्स सर। सर, होम प्लान्स क्या वर्किंग पेरेंट्स करा सकते हैं घर पे? मेरे पास सैटरडे और संडे का ही टाइम होता है। वीकडेज पे डेली 2 आवर दे सकते हैं इवनिंग में। हम यूरोप में रहते हैं एंड डॉक्टर ने अप्रैल 12 की डेट दी है। सर प्लीज होम प्लान के बारे में गाइड करें, सो दैट आई कैन मेक अप माई माइंड। प्लीज टेक माई क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो। देख लीजिए, आपने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लीजिए, आपका क्वेश्चन फीचर भी हो गया और आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको मिलने वाला है। सर, होम प्लान क्या वर्किंग पेरेंट्स करा सकते हैं घर पे? डेफिनेटली वर्किंग पेरेंट्स इजीली करा सकते हैं, क्योंकि जो मेरे प्लान होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन में देना होता है। और 1 घंटा देने के लिए, जैसे आपने कहा मेरे पास 2 घंटा शाम को होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आधे आधे घंटे पे 20-20 मिनट के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इजिली आप 1 घंटा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास सैटरडे संडे को टाइम होता है। सैटरडे संडे आप फुल्ली डेडिकेट कर दीजिए जो बातें मैं आपको बताऊंगा। इजिली ये प्लान्स वर्क कर सकते हैं। और प्लान लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बच्चे के कुछ वीडियोस 30-30, 40-40 सेकंड के रैंडम वीडियो, बिल्कुल बेसिक वीडियोस बनाइए, जैसे हम घर पे शूट करते रहते हैं। कोई स्पेशल वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं, बस आपके बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे वो रैंडमली घर में घूम रहा होता है, आप उसको आवाज लगाते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, तो एक दो वीडियोस आप बना करके उसको डाल दीजिए। वीडियो के लेंथ 30-40 सेकंड से ज्यादा ना हो। वो वीडियोस आप डालेंगे, जैसे आपके वीडियोस रिसीव होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8168790299 पे +91 आप जरूर लगाइए अगर आप यूरोप से कर रहे हैं। तो जब वीडियोस रिसीव होंगे, मैं आपको अपना गूगल पे, फोन पे अकाउंट डिटेल्स भेजूंगा, जिसमें आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर आपको देना होता है। जैसे ही 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर आता है, मैं आपको एक अपॉइंटमेंट दे दूंगा, उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपना एक डायग्नोसिस फ्रेम करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि यूरोप में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अब आपको 12 अप्रैल का डेट मिला है, आपका 6-6 महीने का डेट चलता जाएगा। मेरे पास कई सारे क्लाइंट जो यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से हैं, उन सबका प्रॉब्लम यही आता है कि 6 साल की उम्र तक जाकर के तो आपका बच्चा डायग्नोस ही हो पाता है, क्योंकि 2-3 साल वो 6-6 महीने साल भर पे आपको बुलाते रहते हैं डायग्नोसिस के लिए। इंडिया में क्या फायदा होता है, आप आज कंसल्टेशन डिपॉजिट करते हैं, आज ही हम डायग्नोसिस बनाते हैं और विदिन 24 आवर्स आपको पहला प्लान दे देते हैं। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी की क्या है, आप अपने बच्चे को ठीक करें जल्दी से जल्दी। जितना डिले हो जाएगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, बाद में जाकर के आप चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता उसकी एग्जैक्टली एज क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके वीडियोस भेज दीजिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेजूंगा, उसमें आप कंसल्टेशन भेज दीजिए, ताकि हम आपको एक स्केड्यूल दे दें। और डेफिनेटली अगर आपके पास 2 घंटे दिन में है, आप इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं और सैटरडे संडे को आप जोर लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।